हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 5.2। तो 5.2 में देखो आपको क्या दिया हुआ है, डिविजिबिलिटी रूल्स ऑलमोस्ट सब बच्चों को अच्छे से आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या कह रहा है, चेक द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 10। वी हैव टू चेक द डिविजिबिलिटी रूल फॉर 10। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 क्या कहता है बेटा, द इफ़ वंस डिजिट ऑफ अ गिवन नंबर इज जीरो देन द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 10। तो यहाँ पे देखो, जिस जिस में लास्ट वाले डिजिट क्या है जीरो, वो नंबर क्या होगा 10 से डिविजिबल। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट नंबर फर्स्ट में आप क्या लिखोगे, हेयर वंस डिजिट इज जीरो सो 60 इज डिविजिबल बाय 10। इन सेम वे सेकेंड पार्ट की अगर मैं बात करूं, तो सेकेंड पार्ट में देखो हमारे पास क्या है 43। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, देखो 43 की अगर मैं बात करूं, तो 43 सिंस लास्ट और वंस डिजिट इज 3 सो 43 इज नॉट डिविजिबल बाय 10, नॉट डिविजिबल बाय 10। नेक्स्ट देखो पार्ट नंबर 3, हमारे पास क्या है 149। तो सेम सिंस वंस डिजिट इज 9 सो 149 इज नॉट डिविजिबल बाय 10। नेक्स्ट लास्ट इज 570, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सिंस वंस डिजिट इज जीरो सो 570 इज डिविजिबल बाय जीरो। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड बेसिकली क्या कह रहा है, डिवाइड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 10। हमें क्या करना है, हर एक नंबर को किससे डिवाइड करना है, 10 से, एंड नोट द रिमाइंडर, रिमाइंडर को देखो, देन कंपेयर द रिमाइंडर विद वंस डिजिट। जो आपका रिमाइंडर आएगा उसको कंपेयर करो किसके साथ बेटा, वंस डिजिट के साथ। देन व्हाट डिड यू नोटिस, आपने क्या नोटिस किया। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, डिवाइड ईच नंबर बाय 10। सो 43 को जब आप किससे डिवाइड करोगे, 10 से, तो आंसर हमारे पास कितना आएगा, कोशियंट मेरे पास आएगा बेटा 4, आपको पता है 43 को डिवाइड करोगे तो, और रिमाइंडर मेरे पास कितना आ जाएगा 3, एंड वंस डिजिट इज 3, वंस डिजिट भी क्या है 3। इसका मतलब क्या है, रिमाइंडर और वंस डिजिट हमेशा क्या आएंगे, इक्वल, जब मैं किसी नंबर को किससे डिवाइड करूंगी, 10 से। सो व्हेन वी डिवाइड अ नंबर बाय 10, रिमाइंडर एंड वंस डिजिट इज ऑलवेज इक्वल। ठीक है, ट्राई करना है आपने इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट की स्टेटमेंट मैं आपको दे रही हूँ 81, लिखना आपने सेम ही है, बस क्वेश्चन और रिमाइंडर लिख के। पार्ट नंबर 378, पार्ट नंबर 490। ओके नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बेसिकली आपका क्या कह रहा है, देखो उसने बोला राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ 10a इन प्लस बी। तो बेटा किस फॉर्म में लिखना है, 10a प्लस बी 161। अगर आपको इस फॉर्म में लिखना है तो आप क्या करो, 161 को 10 से डिवाइड, जो भी नंबर आपको दिया हो उसको 10 से डिवाइड कर दो। तो 10 वन ज़ा 10, ये 6 और 1 ये, 10 6 ज़ा 60, तो रिमाइंडर क्या आ गया 1। फिर उसके बाद क्या लिखना है, दैट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इन टू कोशियंट प्लस रिमाइंडर। सो 161 कैन बी रिटर्न एज डिवाइजर, आपके पास क्या है 10 इन टू कोशियंट, कोशियंट विल बी 16 प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू 1। अब उसने क्या बोला, 10a प्लस बी, तो यहाँ से देखो 10 के साथ जो है वो क्या है a, जो रिमाइंडर के मतलब यहाँ पे जो लिखा है प्लस, ये आपकी किसकी वैल्यू बी की, हेयर ए इज इक्वल टू 16 एंड बी इज इक्वल टू 1। ओके पार्ट नंबर सेकंड में दोबारा करके दिखा रही हूँ एक ऐसा ही पार्ट आपको, 549, पहले इसको 10 से डिवाइड करेंगे 5, 50, ये 4, ये 9, ये 4, 49,
रिमाइंडर विल बी 9. तो यहाँ से क्या बनेगा, सेम डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. सो 549 कैन बी रिटन एज 54 इंटू 10 और प्लस 9. 10 के साथ जो लिखा है वो आपका ए, जो ये लिखा है ये आपका बी. तो क्या लिखोगे हेयर, ए इज इक्वल टू 54 एंड बी इज इक्वल टू 1. नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 3. इसने बोला 1325. तो देख लेते हैं, 10 1 3 2 3 30 2 5. यहाँ पे 225, तो कितना आ गया, 1325 कैन बी रिटन एज 132 इंटू 10 और प्लस 5. तो ये आपका क्या है ए, ये आपका क्या है बी. तो यहाँ पे क्या आ गया, ए इज इक्वल टू 132 एंड बी इज इक्वल टू 5. क्लियर. नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. इसने क्या बोला, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वेरीफाई दैट व्हेन इट इज़ डिवाइडेड बाई 5 द रिमाइंडर इज इक्वल टू द रिमाइंडर इज इक्वल टू, जो आपका रिमाइंडर आएगा वो किसके इक्वल होगा, रिमाइंडर व्हेन वंस डिजिट ऑफ द नंबर इज डिवाइडेड बाई 5. जो भी आपको स्टेटमेंट दी हुई है उस स्टेटमेंट की अगर वंस वाली डिजिट को आप 5 से डिवाइड करते हो तो उसके रिमाइंडर के क्या आएगा इक्वल. तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. सबसे पहले जो नंबर आपको दिया हुआ है आपने क्या करना है, उसको किससे डिवाइड करना है, 5 से. तो अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करती हूँ तो कितना आता है, 5 2 10, यहाँ से 3 और ये 7, 5 7 35. तो यहाँ से क्या बना, रिमाइंडर 2. उसने क्या बोला है, यहाँ से मेरे पास रिमाइंडर क्या आ गया, 2. अब क्या किया उसने, वंस वाले डिजिट को 5 से डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया 5, ये आपका 2. तो यहाँ से भी रिमाइंडर क्या आ गया, 2. तो क्या लिख दोगे, यस दे बोथ आर इक्वल, यस दे बोथ आर इक्वल. ओके, नेक्स्ट पार्ट नंबर 2. देखो इसने क्या बोला, 341. तो 341 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो 5 6 30, यहाँ से 4 1, 5 8 40, तो यहाँ से आ गया 1. ठीक है, सो रिमाइंडर इज इक्वल टू 1. यहाँ से अगर मैं बात करूँ 1 को 5 से डिवाइड करूँगी, 1 लेस देन है तो बेटर 500, तो यहाँ से आ गया 1. अगेन रिमाइंडर इज 1, सो यस दे बोथ आर इक्वल, दे बोथ आर इक्वल. नाउ यू हैव टू सोल्व पार्ट नंबर 3 इन पार्ट नंबर 4 बाई योर सेल्फ. मैं स्टेटमेंट आपको दे रही हूँ, पार्ट नंबर 3 आपके पास क्या है, 577. पार्ट नंबर 54 आपके पास क्या है, 729. क्लियर. तो बेटा ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर एवरीवन.